प्रश्न कयामत अर्थात पुनरुत्थान के दिन की छोटी और बड़ी निशानियाँ क्या हैं उत्तर क़यामत के दिन की निशानियाँ एवं प्रतीक वो चीज़ें हैं जो कयामत घटित होने के पूर्व अस्तित्व में आए जो कि इस बात का प्रमाण होती हैं कि कयामत अब करीब है इन निशानियों को दो भागों में बांटा गया है छोटी एवं बड़ी छोटी निशानियाँ अधिकांशतः कयामत के बहुत पहले घटना शुरू हो चुकी हैं उनमें से कुछ बीत चुकी हैं परंतु वो दोबारा भी घट सकती हैं उनमें से कुछ निशानियां घटना आरंभ हो चुकी हैं तथा निरंतर घट रही हैं और कुछ अभी तक घटी नहीं हैं। परंतु भविष्य में अवश्य उसी रूप में घटित होंगी जिस प्रकार से सच्चे नबी मोहम्मद वसल्लम ने इसके बारे में सूचना दी है कयामत की बड़ी निशानियाँ जब घटना आरंभ हो जाएंगी तो ये इस बात का प्रमाण होंगी कि अब संसार के समाप्त होने एवं कयामत के आने में बहुत कम समय बचा है क़यामत की छोटी निशानियों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस विषय में बहुतेरी प्रमाणिक हदीसें वर्णित हैं जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनाया जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु बैतुल बैतुलमक़दस की विजय फ़िलिस्तीन में अमवास नामक स्थान पर तान अर्थात प्लेग का फैलना माल की बहुतायात एवं सदका लेने से परहेज़ फितनों का प्रकटीकरण इस्लाम के आरंभिक युग में होने वाले फितनों एवं उपद्रवों में से कुछ यह हैं उस्मान रजी अल्लाह का कत्ल जमल एवं सिफीन की लड़ाई खवारिज का उद्भव हर्रह की लड़ाई तथा कुरान को मखलूक कहने का फितना नबूवत का झूठा दावा करने वालों का उद्भव तथा उन्हीं में से मुसैमा कदाब एवं असवद अनसी है अमानतों का बर्बाद किया जाना उन्हीं में से यह भी है कि ऐसे अक्षम लोगों को जिम्मेदारी देना जो सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर सकते हों ज्ञान का उठा लिया जाना एवं अज्ञानता का फैल जाना तथा ज्ञान का उठाना उलमा की मूर्तियों के द्वारा होगा जैसा कि सही बुखारी व मुस्लिम की रिवायत में आया है वे अभिचार का प्रसार सूद मदीरापान एवं वाद्य यंत्रों की बाहुल्यता बकरी के चरवाहों का बड़े बड़े भवन बनाने में एक दूसरे से प्रतियोगिता करना लौंडियों का अपनी मालकिन को जन्म देना इसकी व्याख्या उलमा ने अनेक प्रकार से की है तथा इब्ने हजर ने इस कथन को अधिक मुनासिब समझा है कि इससे अभिप्राय यह है कि संतान अवज्ञाकारी हो जाएगी अतः वह अपनी मां के साथ वैसा ही अपमानित व्यवहार करेगी जैसा कि एक स्वामी अपने दासी के साथ करता है। क़त्ल की अधिकता बार-बार भूकंप आना, धरती का धसना, रूप का बदल जाना तथा पत्थरों की बारिश होना, नग्न महिलाओं का उदय, मोमिनों के सपनों का सच होना झूठी गवाही की बाहुल्यता एवं सच्ची गवाही को छिपाना महिलाओं की संख्या में वृद्धि अरब में हरियाली एवं नदियों की बाहुल्यता फुरात नदी से सोने के पहाड़ का उद्भव दरिंदों एवं निर्जीव वस्तुओं का इंसानों से बात करना रोमियों की संख्या में वृद्धि तथा मुसलमानों से उनकी लड़ाई कुस्तुनतुनिया की विजय जहां तक क़यामत की बड़ी निशानियों की बात है तो ये वही हैं जिनका उल्लेख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा बिन असीद वाली रिवायत में किया है और ये दस निशानियाँ हैं दुखान अर्थात धुआँ दज्जाल चौपाया सूर्य का पश्चिम से उदय होना ईसा बिन मरियम सलाम का उतरना याजूज माजूज तीन बार जमीन का धसना एक बार पूरब में एक बार पश्चिम में तथा एक बार अरब द्वीप में और आग का निकलना जो लोगों को धकेल कर महसर की ओर ले जाएगी ये संकेत कर्मिक रूप से सामने आएंगे यदि इन संकेतों में से पहला प्रकट हो गया तो अन्य उसका अनुसरण करते हुए पीछे पीछे आएंगे तथा इन संकेतों के कर्मवार होने के संबंध में कोई सही एवं स्पष्ट हदीस प्रमाणित नहीं है बल्कि सभी दलीलों को सामने रखकर इनके घटने की कर्मवार तरतीब दी जा सकती है वल्लाहु वल्लुआलम